अब देखो ऑडिटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, नेसेसिटी क्या थी? अब कहते हैं कि ऑडिटर, कई बार हम कहते थे कि ऑडिटिंग नेसेसिटी है या फिर लग्जरी है, ऑडिटिंग जरूरी है कराना या फिर लग्जरी है। अगर हम वैसे बात करें ऑडिटिंग नेसेसरी है या लग्जरी, तो हम कह सकते हैं कि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ऑडिटर जो है वो ऑडिटिंग जो है वो नेसेसिटी है, और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए लग्जरी है। ऐसे केस में तो हम कह सकते हैं कि भाई अकाउंटेंसी भी बताओ, अकाउंटेंसी ज़रूरी है या फिर अकाउंटेंसी भी लग्जरी है? तो हम कह देंगे कि अकाउंटेंसी भी अगर हम स्मॉल के लिए देखें तो वो भी, जैसे अगर हम बात करें कि स्ट्रीट हॉकर्स है उनके लिए क्या अकाउंटेंसी भी ज़रूरी नहीं है, उनके लिए तो अकाउंटेंसी भी लग्जरी होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑडिटिंग ज़रूरी है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नेसेसिटी है, और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लग्जरी हो जाएगी। सेकेंड थिंग कहते हैं कि इसकी ऑडिटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी, यानी ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग था। इसलिए देखो वैसे जब तक हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात करते हैं तब तक ऑडिटिंग कराना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब भी कंपनी की बात आती है तो उसके अंदर ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हो जाते हैं, यानी उसके ओनर्स तो शेयर होल्डर हो जाते हैं कंपनी के और मैनेजमेंट कोई और है, ठीक है, मैनेजर्स हैं, मैनेज कर रहे हैं उसको, तो उनकी रिपोर्ट जो सबमिट करानी पड़ती है। इसलिए ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अलग है, तो ऑडिटर हमें ऑडिटिंग करानी पड़ेगी, ऑडिटर के थ्रू जो ऑडिटर होगा वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, उसी के थ्रू ऑडिटिंग कराएंगे। दैन उसके बाद आता है कुछ कंसेप्ट है कि बुक कीपिंग है, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग है, इन्वेस्टिगेशन, इनके अंदर कुछ डिफरेंस है। जैसे कि सबसे पहली बात आती है कि बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग को जूनियर क्लर्क्स भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऑडिटर हो, अकाउंटेंट को कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, जूनियर क्लर्क करते हैं, क्योंकि सिंपली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है, जर्नल में या लेजर में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, बुक कीपिंग। उसके बाद अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ पे अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है। इसके अंदर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अकाउंटेंसी के अंदर आता है, ये अकाउंटेंसी अकाउंटेंट के थ्रू की जाती है। देन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग को कौन करेगा, ऑडिटर करेगा, और किसके थ्रू करेगा, वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू करेगा। देन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑडिटिंग से बिल्कुल अलग है, ऑडिटिंग के अंदर हम डेप्थ में स्टडी करते हैं, क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जब हम किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, या तो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, ओनर करते हैं या फिर अदर पार्टी, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट वाले करते हैं इन्वेस्टिगेशन, यानी कि किसी हम एक ट्रांजेक्शन के पीछे पड़ जाते हैं, जैसे कि बिजनेस में परचेज हुआ कितना हुआ उसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं, यानी कि पूरा एक चीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करना, बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना, तो वो होता है इन्वेस्टिगेशन।